गाइस आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी फ़ोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है देयर वॉज एन एरर प्लेइंग द वीडियो, तो इस तरीके से अगर आपके भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो कोई सा भी एप्लीकेशन में हो, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस में हो या तो फिर किसी भी एप्लीकेशन में हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैं सिंपली तरीका बताऊँगा एक, जिसको आपको अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो गाइज़ बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो आपको व्हाट्सएप के ही एप्लीकेशन में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, या तो फिर आपको कोई भी एप्लीकेशन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स करके एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ही सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको WhatsApp लिख के आपको सर्च करना है, और यहाँ जैसे ही आप WhatsApp लिखेंगे तो WhatsApp एप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाटा क्लियर करना है। डाटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप परमिशन करके ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा, कंटैक्ट, फाइल एंड मीडिया, माइक्रोफोन, इन सभी ऑप्शन पे आपको एक एक करके क्लिक करना है और इसका परमिशन आपको दे देना है। तो जैसे ही आप परमिशन देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक और परमिशन देना है फ़ोन का, सॉरी गाइस यहाँ पे आपको फाइल एंड मीडिया का परमिशन देना है। ओके इसको तो आपको इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको दे देना है परमिशन। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है देयर वॉज एन एरर प्लेइंग द वीडियो, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको दूसरे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है उस एप्लीकेशन को भी क्लिक कीजिए, और इसी तरीके से आप जो उसका डाटा क्लियर कर दीजिए। डाटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।